Hey, this is Prapti Shukla and you're watching Beyond Bazooka TV. Hello. So, first of all, thank you so much for having me. And जैसे कि आप टाइटल से देख रहे हैं जननी एआई की कहानी. फर्स्टली तो थैंक यू जाता है दंगल चैनल को, मनीष सर, जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी, जिनकी वजह से ये शो दंगल चैनल पर आ रहा है जो काफ़ी यूनिक है. एंड ऑफकोर्स मृणाल मैम जिन्होंने स्टोरी लिखी है जो इतनी यूनिक लिखी है, इतनी डिटेल में है. लाइक हम भी सीन्स करते हैं तो हमें लगता है कल क्या होने वाला है. सबको ये स्टिक करके रखेगा कि कल क्या है, क्या नया है, क्या अलग हो रहा है रोज़. डायलॉग्स भी इतने अच्छे हैं. एंड आर प्रोड्यूसर सर अभिज्ञान सर जो डायरेक्ट भी कर रहे हैं अभी, जिनकी वजह से सबके कैरेक्टर्स बिल्ड हो रहे हैं. आई होप ये सबको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा. एंड हमारी स्टोरी जननी एआई की कहानी, जननी मतलब माँ, माँ की कहानी. इन शॉर्ट, किसी को लग रहा है कि जननी मतलब रोबोट, रोबोट का नाम जननी है, नहीं ऐसा नहीं है. ये जननी माँ की कहानी है. माँ ने तारा को जन्म दिया और माँ ने रोबोट को बनाया. सो ये रोबोट को बनाया, रोबोट माँ को जननी कहती है. ये है, तारा को एक बीमारी है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जो ऐसी बीमारी है जो तारा को अगर कोई धक्का लग जाए, कोई ज़रा सा पुश लग जाए, जैसे हमारा फर्स्ट सीन है मेरा हीरो के साथ, ऋतिक के साथ, वो गिर जाता है, हाथ मांगता है, मैं हाथ नहीं देती, मेरा हाथ टूट सकता है. मैंने उसे हाथ दिया, उसने हाथ पकड़ा, खड़ा होगा वो तो मेरा हाथ टूट जाएगा. तो वो इतनी डेलिकेट है, कांच की बनी आप कह सकते हो, कि वो टूट जाएगी. तो उसके पास 3-4 महीने ही है, वो 3-4 महीने में मर जाएगी, डॉक्टर्स ने कह दिया. एंड उसका कोई रास्ता नहीं है, कोई इलाज नहीं है. तो इसलिए माँ कैसे विज्ञान की हेल्प से रोबोट बनाती है, क्या करती है, सारी हदें पार करके अपनी बेटी को बचाने के लिए क्या क्या करती है, ये सब आपको देखने मिलेगा. जब ये ऑफ़र आया था तब पहली बार जब मेरे पास ये ऑडिशन आया था तब मैंने फ़र्स्ट टाइम दिया नहीं था, तब मैं कहीं बाहर थी तो मैंने नहीं दिया, शूट कर रही थी मैं, रह गया, रह जाता है वैसे. देन जब सेकेंड टाइम वापस आया, डेस्टिनी कहते हैं आपकी, यही शो वापस आया तो आया, तब मैंने पढ़ा ये तारा का कैरेक्टर. ऑफ कोर्स पूरी स्टोरी नहीं दे दी थी, क्या तारा का कैरेक्टर पढ़ा, मैंने बोला ओ वाओ ये टिपिकल नहीं है, मुझे बहू नहीं बना रहे फर्स्ट ऑफ ऑल कोई शो में. ये अभी जो गेटअप है, ये शादी का सीक्वेंस चल रहा है इसलिए मेरा ये गेटअप है, वरना तारा बहुत कैजुअल है, बहुत सिंपल लड़की है, एकदम कैजुअल कपड़ों में रहती है. जो अभी कोई शो में ऐसी कोई लीड्स ऐसे कैजुअल कपड़ों में टिपिकल बना देते हैं, तो मुझे वो नहीं करना था. एंड आता तो भी ऑप्शन नहीं था मना करने का, गो विद द फ्लो. तो काफ़ी अलग कैरेक्टर है तारा का. एंड जैसे ये बहुत चैलेंजिंग भी हो जाता है, मैं तारा भी हूँ, रोबोट भी हूँ, सितारा, तो कैरेक्टर करते करते भी मिक्सअप हो जाता है. एंड मज़ा आएगा आपको देखने में, ज़्यादा तो नहीं बताऊँगी शो के बारे में, बट हाँ. बाकी सब एक्टर्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, फैमिली एनवायरनमेंट हो गया. जैसे कहते हैं ना कि सेट ऐसा, योर वर्क प्लेस ऐसा होनी चाहिए जैसे आपको घर जाने का मन ना करे, तो ये वैसा ही हो गया कि मुझे यहाँ जब होती हूँ मैं तब मुझे घर जाने का मन नहीं करता. मेरी मॉम आती है सेट पे, बहन आती है, तो कहती है यार ये सेट पे बहुत खुश रहती है, बहुत खिली हुई रहती है, घर पे तो ऐसे ऐसे गिर जाती है. मैं बहुत घर पे तो आके थक ही जाऊँगी ना, तो मुझे सेट पे सबके साथ एक एक ऐसा बॉन्ड हो गया है, बहुत अच्छा लगता है मुझे यार, एक कोई नहीं. ऑफकोर्स ये सबसे पहले मैटर करती है, और आई होप हमने जितने एफर्ट्स डाले हैं, सबका इतना हार्ड वर्क है, बिकॉज हम कोई भी चीज़ नहीं चला रहे, सबकी इतनी मेहनत है. हम कोई भी चीज़, हमने क्रोमा पे इतना VFX है, हमारा VFX इतना अच्छा है, लाइटिंग जो टॉप क्वालिटी आप कह सकते हो, दंगल चैनल पे उन्होंने हमें ये करने दिया, ये बहुत बड़ी बात है मनीष सर. तो बहुत यूनिक लगेगा आपको, मज़ा आएगा VFX, मुझे खुद देख के मज़ा आ रहा है. हम जब शूट करते हैं तब वो पूरा ग्रीन स्क्रीन है, और जब एडिट होके आया ओ वाओ, तो सबका इतना हार्ड वर्क है. आई होप TRP आनी चाहिए, रेटिंग भी आनी चाहिए, बाकी तो काम है, कर्म करो.
ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि आप हमारा शो देखिए, ये ड्रामा है, साइंस फिक्शन है, देन आप एआई के बारे में सीखेंगे काफ़ी कुछ, बीमारी है तारा को, मदर डॉटर का बॉन्डिंग है, एंड क्यूट लव स्टोरी भी है जो सबको देखने में अच्छा लगेगा, बिकॉज टिपिकल लव स्टोरी नहीं है, क्यूट लव स्टोरी है टीनेज वाली, तो मुझे खुद करने में मज़ा आ रहा है, तो काफ़ी ऑडियंस कनेक्ट होंगे छोटे हर एज ग्रुप में, तो देखिएगा जननी एआई की कहानी एंड सपोर्ट करिए।